पहला सेंसर है क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। ये सेंसर इंजन के क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन को मेजर करता है और ECM को ये बताता है कि क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन कहाँ है। दूसरा सेंसर है कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर। ये सेंसर इंजन के कैमशाफ्ट की स्थिति को मापता है और ECM को सिग्नल देकर ये बताता है कि कैमशाफ्ट की पोजीशन कहाँ है, वो किस स्थिति में है। ये सारा सिग्नल लेने के बाद जो है ECM डिसाइड करता है फायर ऑर्डरिंग का। एयर फ्लो सेंसर। ये सेंसर एग्जॉस्ट सिस्टम में ये सेंसर लगा होता है और एयर फ्लो की गति को मापता है और इसका सिग्नल ECM को देता है। ECM पे डिसाइड करता है एयर और फ्यूल के रेशियो को सेट करने में मदद करता है। और ये है सेंसर कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। ये सेंसर इंजन की हीटनेस को मेजर करता है और सिग्नल ECM को देता है। ECM सिग्नल लेने के बाद फैन रिले को कंट्रोल करता है और इंजन को हीटनेस से बचाता है। ऑक्सीजन सेंसर। ये सेंसर एग्जॉस्ट पाइप में ऑक्सीजन की क्वांटिटी को मेजर करता है और बताता है ECM को कि इंजन का कंबशन किस तरह हो रहा है, उसकी फ्यूल और एयर रेशियो का मिश्रण अच्छे ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है।